अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टीसीपी आईपी। चलिए तो टीसीपी आईपी के कंपोनेंट्स हम देखेंगे, आईपी, टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी। ठीक है, ये सब जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि टीसीपी आईपी जो है इसमें यूज किए जाते हैं, डेटा ट्रांसमिशन के लिए इनका यूज होता है ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या होते हैं ये सब। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आईपी। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। सॉरी, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल दैट मूव्स डेटा बिटवीन होस्ट कंप्यूटर्स, है ना। आईपी जो है वो एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल होता है, जो कि हमने पहले नेटवर्क लेयर पढ़ी हुई है ना। तो उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए वो होता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क लेयर में यूज होने वाला एक प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, जो कि डेटा को मूवमेंट करता है कहाँ पे, होस्ट कंप्यूटर्स के बीच में। होस्ट कंप्यूटर्स कितने भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, तो इन सबके बीच में डेटा का जो मूवमेंट है वो कौन करता है, टीसीपी आईपी में आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, उसके बाद टीसीपी। अब टीसीपी क्या है, टीसीपी इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, है ना। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट मूव्स द मल्टीपल पैकेट्स डेटा बिटवीन द एप्लीकेशंस। ठीक है, इट मींस ये क्या बोल रहा है कि जो टीसीपी आईपी हम पढ़ते हैं अभी, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। जो हमने लेयरिंग पढ़ी थी वैसा ही मॉडल की, उसमें एक लेयर थी हम जानते हैं जिसे ट्रांसपोर्ट लेयर कहते हैं हम। तो ये जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी जो किसमें यूज हो रहा है, फिजिकल लेयर पे, है ना। जो क्या काम करता है, इसकी वर्किंग है कि ये जो है डिफरेंट टाइप के मल्टीपल जो पैकेट्स रहते हैं, डेटा पैकेट्स, है ना, जो कि ट्रांसफर हो रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में, है ना, उन्हें मूव कराता है ना। सोर्स से डेस्टिनेशन पे मल्टीपल पैकेट्स का मूवमेंट जो कराता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, यूडीपी। तो यूडीपी क्या होता है, यूडीपी इज कॉल्ड द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, है ना। इसके फुल फॉर्म जो है वो आप याद रखिएगा, द ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इंटरनेट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये जो तीन चार अपन पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म्स, इनके जो फुल फॉर्म है ये आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने ये पूछे जाते हैं। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को हम यूडीपी कहते हैं। इट इज ऑल्सो अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लाइक द टीसीपी बट लेस कॉम्प्लेक्स एंड रिलायबल देन द टीसीपी। तो यूडीपी और टीसीपी ये दोनों प्रोटोकॉल्स जो हैं ये कहाँ यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में। इतना तो हम समझ गए डेफिनेशन पढ़ के कि जो टीसीपी है वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में, लेकिन टीसीपी के अलावा एक यूडीपी भी कहाँ यूज होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर दो दो प्रोटोकॉल का यूज कर रही है। ठीक है, बट मोस्ट रिलायबल प्रोटोकॉल टीसीपी और यूडीपी, इन दोनों में से कौन सा है, यूडीपी, है ना। इट इज मोस्ट रिलायबल एंड लेस कॉम्प्लेक्स एंड लेस रिलायबल, सॉरी, टीसीपी जो है वो मोर रिलायबल होता है, यूडीपी जो है वो लेस रिलायबल होता है। ठीक है, बाकी दोनों का काम एक ही होता है कि डेटा पैकेट के मूवमेंट को कंट्रोल करना, डेटा पैकेट्स के मूवमेंट को सोर्स टू डेस्टिनेशन पे पहुंचाना, ये दोनों का काम होता है। ठीक है, बट यूडीपी जो है वो थोड़ा कम होता है रिलायबल या कम कॉम्प्लेक्स होता है, और टीसीपी जो है वो मोर देन यूडीपी से रिलायबल होता है। अब उसके बाद एक और प्रोटोकॉल जो है वो आईसीएमपी के नाम से जाना जाता है ना। आईसीएमपी मींस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, है ना। तो ये जो है एक अनदर टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज होता है, बहुत बार इन सब प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है लेयर्स में, है ना। तो ये जो है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, कैरीज द नेटवर्क एरर मैसेज एंड अदर नेटवर्क सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये इसका यूज भी हम ट्रांसपोर्ट लेयर में करते हैं और भी अदर लेयर्स में इसका यूज करते हैं, बट इसका सबसे ज्यादा जो वर्किंग है वो क्या क्या होती है इसकी वर्किंग आईसीएमपी की, कि नेटवर्क एरर कोई आ रही है यदि डेटा कंट्रोल के बीच में, है
है ना, या अदर जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, जब डेटा को हमें मूव करना है सोर्स से डेस्टिनेशन, तब जो भी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आती हैं, या अदर कुछ भी ऐसे एरर मैसेज आते हैं, या कुछ एरर आता है कि डेटा पैकेट जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा है, तो बीच में कहीं लैप्स हो गया है, तो ये जब ये सब चीजें जो है वो कौन हैंडल करता है, ये हैंडल करता है आईसीएमपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये डेटा को हैंडल भी करता है, साथ में एरर मैसेज कंट्रोल भी करता है, और इसके अलावा तीसरा काम क्या करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो दिस इज ऑल्सो द वर्क ऑफ आईसीएमपी। तो एक बार रिवाइज करो सब लोग, आप एक बार फिर से देख लें कि जो कंपोनेंट्स है टीसीपी आईपी के, वो चार टाइप के कंपोनेंट होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में आता है। एक होता है आईपी, एक होता है खुद टीसीपी आईपी, दो तो उसके नाम से ही आपको दिख गए, एक टीसीपी आईपी जो हम बोलते हैं मॉडल, टीसीपी आईपी जो भी प्रोटोकॉल है उसमें एक टीसीपी है एक आईपी है, इसके अलावा एक मल्टीपल होता है टीसीपी के साथ ही यूडीपी, और एक आईपी से आप ध्यान रखो कि एक और आईपी से मिलके बनता है एक आईसीएमपी,